जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले। सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीएम तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। नहीं तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। उपेंद्र कुशवाहा आज मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता रहती तो आज तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता तो जरूर सवाल पूछेगी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुनिए। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछिए ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया है, हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या करना है? अब देखिए उस मुलाकात में दो ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें? क्या हरिवंश जी से धक्का दिलवाएंगे एनडीए को? अब मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भनक कोई जानकारी मुझको नहीं। जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या लगता है आपको, शुरुआत में बोले थे कि पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है, अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है, जो आप लोग भी देख ही रहे हैं। 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी उन्होंने लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई, और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा, वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। अरे भैया उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीएम तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, आयोग बिहार का अभ्यर्थी का आयोग बता रहा है। नहीं तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए, बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित तो होना ही है, इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है। सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और उनकी पार्टी का ही अस्तित्व नहीं रहा, तो उनका क्या रहेगा। कई सारी बातों को वो कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, बिहार की जनता जरूर सवाल पूछेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।